Assalamualaikum everyone. Welcome to our channel Learn and Fun with Ashnoor Khan. So she is Ashnoor Khan and today's topic is कि मैं कंपेयर करूंगी तीन बेबी वाइप्स जो मैंने यूज करी थी जब से अश्नूर हुई है तब से अभी तक. सो इन द फर्स्ट मंथ मैंने यूज करी थी हिमालय बेबी वाइप्स जो मुझे काफी अच्छी लगी बिकॉज उसका मॉइस्चर कंटेंट बहुत अच्छा है, थिकनेस बहुत अच्छी है, उसका अरोमा माइल्ड था विच इज सुटेबल फॉर बेबीज एंड उसकी कॉस्ट भी सही थी. 72 वाइप्स आई थी 150 रुपीज की अमेजोन से. एंड सेकेंड मंथ में मैंने यूज करी थी मेंबर्स मार्क की बेबी वाइप्स जो मेरे हस्बैंड लेके आए थे बेस्ट प्राइस से, वो बेस्ट प्राइस में ही मिलती हैं. सो उसका थिकनेस बहुत अच्छी है, मॉइस्चर कंटेंट बहुत अच्छा है एंड उसकी लेंथ तो इतनी अच्छी थी कि मैं आधा भी यूज करते थे हम लोग तो हम लोगों का काम हो जाता था. एंड उसकी अरोमा माइल्ड है एंड उसकी कॉस्ट थी 100 वाइप्स आई थी 100 रुपीज की एंड थर्ड मंथ में हम लोगों ने यूज करी थी लव लैब बेबी वाइप्स जो ये हैं. इसको मैंने ऑनलाइन मंगवाया था बिकॉज इसमें इस तरह का कवर है तो मैंने सोचा कि इससे जो अंदर वाइप्स हैं वो ड्राई नहीं होंगी. बट लव लैब बेबी वाइप्स जो हैं वो बहुत ज्यादा थिन है, उसमें मॉइस्चर कंटेंट इतना नहीं है, लेंथ तो ठीक है एवरेज है एंड इसकी कॉस्ट थी ये 72 वाइप्स आई थी 77 रुपीज की. सो इफ आई कंपेयर ऑल द थ्री वाइप्स सो फर्स्ट रैंकिंग तो मैं ये बेस्ट प्राइस की जो मेंबर्स मार्क की बेबी वाइप्स है उनको दूंगी बिकॉज इसके ऊपर टेप सीलिंग है बट फिर भी ये इतनी अच्छी सीलिंग है कि मैंने पूरा पैकेट यूज कर लिया है एंड ये स्टिल अभी भी चिपक जाता है, बहुत अच्छी सीलिंग है इसकी. सो फर्स्ट रैंकिंग गोज टू दी मेंबर्स मार्क बेबी वाइप्स, सेकेंड रैंकिंग फॉर दी हिमालय बेबी वाइप्स एंड थर्ड रैंकिंग टू दी लव लैब. सो एंड वन मोर टिप फॉर दी न्यू पेरेंट्स एंड द पेरेंट्स टू बी कि आप लोग जब भी बेबी वाइप्स लें तो उसमें तीन फैक्टर्स जरूर देखें. फर्स्ट थिंग इज इट शुड बी पैराबेन एंड एल्कोहल फ्री. सेकेंड इज इट शुड बी क्लिनिकली टेस्टेड एंड थर्ड पॉइंट इज कि उसमें विटामिन ई जरूर होना चाहिए बिकॉज वो अगर बेबी की स्किन सेंसिटिव भी है तो विटामिन ई उसको सूट करता है एंड बहुत अच्छा मॉइस्चर देता है बेबीज को. सो इसी तरह की अदर पेरेंटिंग टिप्स के लिए ऐश के चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड ऐश को हमेशा दुआओं में याद रखिए. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.